हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो है वो चिक्स का डिलीवरी आया है। आमतौर पे ये सुबह में आता था, लेकिन आज जो है वो मेरे फार्म में ये डिलीवरी जो है वो शाम में हुआ है। ठंड अभी हल्का हल्का बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो है वो ब्रूडिंग एरिया तैयार कर दिया। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये चिक्स के बारे में। ये चिक्स जो है ये फोनिक्स कंपनी से मैंने लिया है। ये कॉब चिक्स है, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं काफ़ी अच्छा कॉब चिक्स। जब भी आप देखते हैं तो आपको जो है वो पता चल जाता है कि ये बढ़िया क्वालिटी का चिक्स है। आपको देखने में बस मज़ा आ जाएगा। आप जैसे देखेंगे इसका कलर जो है येल्लो है। जितना येल्लो कलर का चिक्स रहेगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं चिक्स, वो जो है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में अगर इनको अच्छे से दाना पानी वगैरह नहीं मिला तो ये फिर जो है वो ब्रूडिंग एरिया में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, और पूरे महीना जो हमारा लॉर्ड रहता है वो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनका रंग बिल्कुल देखना ज़रूरी है। मैं आपको पूरा बॉक्स दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल हेल्दी चिक्स आप देख पा रहे हैं, पूरे चेक कर लेना। आप जब भी डिलीवरी लेते हैं तो आपको पूरे जो है वो बॉक्स के लिए जितने भी चिक्स हैं सबको चेक कर लेना चाहिए। मैं आपके लिए ये तो बना रहा हूँ, मैंने उस समय जो है वो जल्दीबाजी में जो है वो वीडियो नहीं बनाया पाया था, क्योंकि गाड़ी वगैरह से उतारने में उतना टाइम नहीं रहता है कि वीडियो बनाऊँ, एक एक करके चेक करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैंने फार्म में रखने के बाद ही जो है वो वीडियो बनाने का सोचा है। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, ये चिक्स अगर पुराना रहता तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो इसका जो पंख है इसमें वाइट वाइट कलर का आने लगता है। तो अगर वाइट कलर का आ जाएगा तो वो फिर सही जो है वो चिक्स नहीं रहता है। मान लीजिए कि डे ओल्ड चिक्स कहा जाता है इसे, मतलब कि एक दिन के अंदर ही आपके फार्म में ये आना चाहिए, मतलब 24 घंटे के अंदर में, ठीक है। चूँकि ये कुछ खाते नहीं है, आप लोग डब्बा में देखेंगे तो कुछ हल्का बहुत रहता है। अभी तो ठंड का सीज़न है इसलिए तरबूज वगैरह नहीं दिया गया है, नहीं तो तरबूज खीरा वगैरह इसमें काट के डाला जाता है और वही हल्का फुल्का ये खा के रहते हैं। कोई ठोस चीज़ इनको शुरुआत में नहीं दिया जाता है। और तो ये जो है वो अपग्रेडिंग सही होना चाहिए। आप चिक्स को देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चिक्स देखेंगे तो आपको जो है वो लगभग 40 ग्राम के पर चिक्स होने चाहिए, और आपको सभी का जो साइज है वो बराबर रहना चाहिए। अगर अभी साइज में कोई डिफरेंस रहेगा, चलिए मैं दो चिक्स आपको उठा के दिखाता हूँ। देखिए ये जो दो चिक्स है, दोनों चिक्स में कोई आपको अंतर नहीं लगना चाहिए। अगर दोनों चिक्स में आपको अंतर लगता है तो आप समझ लीजिए कि ग्रेडिंग सही नहीं किया गया है, और जब तक ग्रेडिंग सही नहीं रहेगा आप जो है वो चिक्स को अच्छे तरीके से जो है वो तैयार नहीं करेंगे। चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले आप, वो चिक्स जो है वो सक्सेसफुली वो लॉट जो है वो नहीं निकल सकता है। तो और कुछ जानकारियाँ हैं बहुत सारी, तो मैं समय समय पर वीडियो डालते रहूँगा अगर आप लोग चाहेंगे। बहुत बार मैंने जो है वो ट्रेनिंग वीडियो बना दिया है। अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि इस पूरे लॉट का मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। चूँकि अभिषेक सिंह चैनल आप लोग के लिए, जो नए पोल्ट्री फार्मर है, जो पोल्ट्री फार्मिंग सही में सीखना चाहते हैं, जो सीरियस है इस बिज़नेस को लेकर के, उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो ज़रूर से ट्रेनिंग वीडियो फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। और बहरहाल कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, ब्रूडिंग में आपको क्या कुछ जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो अगले बार मैं वीडियो बनाऊंगा जो, उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में मैं कुछ जानकारी आपको दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक लेना नमस्कार। उम्मीद है आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक दिया होगा, और अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेगुलरली अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। अब पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।